दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना बिरयानी मसाला की रेसिपी। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप घर में बनाएंगे और आपके पड़ोसी भी सूंघ सूंघ कर आ जाएंगे। यानी कि आप इससे बनी हुई कोई भी रेसिपी बना लें, इसको इस मसाले को जिस भी रेसिपी में डालेंगे, वो आप पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, कोई भी चावल आप बना रहे हो, तवा पुलाव बना रहे हो, इतनी उम्दा बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी और उसकी खुशबू इतनी लाजवाब होगी कि आपके पड़ोसी भी दौड़े चले आएंगे। तो इतना टेस्टी खुशबूदार मसाला बनाने के लिए किस तरह से आपको क्या करना है, आइए फटाफट से रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो मसाला बहुत आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डाल दें आप साबुत धनिये के दाने। यहां पर लगभग 4 टेबलस्पून के करीब हमने धनिये के दाने लिए हैं। इसके साथ ही यहां पर हम जीरा ऐड करेंगे, कच्चा जीरा है जो कि हम नॉर्मली सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, तो ये आपको 2 टेबलस्पून के करीब डालना है। इसके अलावा हरी इलायची चाहिए होगी लगभग 2 टेबलस्पून के करीब, बड़ी इलायची हमें चाहिए 10 से 12, दालचीनी का टुकड़ा लगभग 6 इंच का आप डाल दीजिएगा। इसके साथ ही 6 से 7 लाल मिर्चें डाल दें। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप कम तीखा खाते हैं घर में तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब यहां पर हम काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगी लौंग लगभग 1 टेबलस्पून के करीब। बहुत ही खुशबूदार मसाला बनकर रेडी होगा। अब इसमें नेक्स्ट यहां पर हमारा इंग्रेडिएंट है जावित्री। ये भी आपको बहुत ही आसानी के साथ पंसारी की शॉप पर मिल जाएगी, तो 6 से 7 फूल जावित्री के भी डाल दें। अब 1 टेबलस्पून यहां पर आपको डालना है शाही जीरा। शाह जीरा या शाही जीरा बोलते हैं, ये आपको 1 टेबलस्पून के करीब डालना है। घबराएं मत, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो इससे आपके मसाले की खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे यहां पर 2 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, ये आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से बस डाल देंगे सारी चीजों को और 1 से 2 मिनट हम सारी चीजों को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, भून लेंगे और उसके बाद में पीस लेंगे। पर अभी आप कहीं ना जाएं क्योंकि इसमें कुछ मसाले डालना भी बाकी है। तो नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे नटमेग यानी कि जायफल। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, तो ये आप एक ले लें और उसको थोड़ा सा तोड़ लें कुछ इस तरह से और इसके बाद में इसको डाल दें कढ़ाई में। थोड़े से तेज पत्ते भी हमें चाहिए होंगे, 10 से 12 तेज पत्ते लगेंगे, पर इनको भूनते वक्त हम बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल तो देखिए सारे मसालों को एक साथ ही हमने ये देखिए इस तरह से गैस पर चढ़ा दिया है। लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट इस तरह से बस भून लीजिएगा। मसालों को एक तरीके से यहां पर हम सिर्फ गर्म कर रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो मेनली यहां पर भूनना नहीं है, सिर्फ मसालों को हल्का सा गर्म करना है ताकि इनका मॉइस्चर थोड़ा सा चला जाए और उसके बाद में इनको बहुत आसानी के साथ आप पीस पाएं। आप चाहें तो इनको कढ़ाई में ना करके आप इनको धूप भी दिखा सकते हैं। धूप में रख दें आप इनको लगभग आधे घंटे के लिए और उसके बाद में सारे मसालों को आप पीस लें। यहां पर तेज पत्तों को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और जो हमारे सारे मसाले हैं उसकी हीट से अपने आप ही तेज पत्ते भी थोड़े से क्रिस्प हो गए। तो सारे मसालों को देखिए मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब ढक्कन को लगाकर इनको भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। यहां पर बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है, हल्के से आपको इसके ग्रेन्स दिख रहे होंगे। तेज पत्ता के भी आपको थोड़े थोड़े से ना एक ग्रेन्स नजर आ रहे होंगे, कण नजर आ रहे होंगे। तो जब भी आप मार्केट का मसाला खरीदते हैं, अक्सर से अगर आप पैकेट खोलेंगे तो आपको हमेशा ही तेज पत्ते के छोटे छोटे बिट्स मिलेंगे, पीसेस मिलेंगे और कुछ इसी तरह की रंगत और खुशबू लिए मसाला होता है। तो बहुत आसानी के साथ सस्ते में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 रुपए में आप बहुत ही महंगा एक 100-150 रुपए वाला पैकेट घर में ही आसानी के साथ काफी अच्छे अमाउंट में आप बना सकते हैं। 5 मिनट में हमने ये मसाला बनाकर रेडी कर लिया है। आप भी कुछ इस तरह से अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाइएगा, बिरयानी बनाइए, पुलाव बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।